Hey guys, good morning, ना पेर दिवांशु अंदर की नमस्कार। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की दिन की शुरुआत मैं पपीता से कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों डे बाय डे जो है ना गर्मी बढ़ती जा रही है और उमस इतना हो रहा है मत पूछो। और दोस्तों गर्मी के सीजन में फ्रूट्स खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों डे बाय डे जो है ना हेल्थ हमारी बिगड़ रही है, खासकर ये कोरोना काल के चलते। और खासकर इन दिनों में फ्रूट्स खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों जैसे कि अभी इस वक्त मैं पपीता खा रहा हूँ, मजा आ रहा है क्योंकि गर्मी के सीजन में यही एक बेस्ट तरीका है जो अंदर से अपने को कूल रखता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये अपने स्टमक को भी कूल रखेगा और अपनी इम्यूनिटी पावर को भी लो होने नहीं देगा। दोस्तों जाइए जल्दी से मार्केट से खरीद के लेके आइए और जरूर खाइएगा। ओके तो अभी मैं करूंगा अपना कॉलेज का ऑनलाइन वर्क स्टार्ट, क्योंकि दोस्तों मेरा एक सब्जेक्ट ना हो चुका है बिजनेस मैनेजमेंट का। अभी जो मैं कर रहा हूँ स्टार्ट वो है कंपनी लॉ का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ आप लोगों को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एकदम फटाक से, वो ये है कि दोस्तों 2:17 से जो है चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने वाला है और वो केवल रहेगा 7:19 तक। और दोस्तों इसका जो असर रहेगा ना वो केवल 3 दिनों तक रहेगा, तो बी सेफ। ओके फिलहाल दोस्तों मुझे किसी भी कीमत पे आज मुझे कंपनी लॉ को जो है ना खत्म कर दें, बहुत ज्यादा लोड पड़ जा रहा है डे बाय डे। 25 पेजेस जो है लिखने हैं, अभी तक मैंने सिर्फ 4 पेजेस जो है कंप्लीट करे हैं और बाकी जो पेजेस है पता नहीं कब तक होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज रात तक आधा कंप्लीट हो जाए, आधा कल कंप्लीट कर लूंगा, ऐसे करूंगा तो दो दिन में और भी जो है सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होता जाएगा। तो अभी हो चुका है शाम, तो इस वक्त मैं बैठा हूँ सीढ़ी पे और काफी ज्यादा बोर लग रहा है शाम के टाइम। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं काफी देर से यहाँ पे बैठा हूँ और इन लोग जो है अभी तक आए नहीं, इतना नखरा दिखा रहे ना बिल्डिंग के छोटे छोटे बच्चे लोग, पता नहीं कब तक आएंगे। और मुझे पता है दोस्तों इन लोग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कल के बाद से ना इन लोग नाराज हो गए हैं, क्योंकि ना दोस्तों इन लोग से जो है ना मैंने वादा किया था कि कल शाम को अपन जो है क्रिकेट खेलेंगे, दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों शाम को मैं उत्कर्ष के साथ मार्केट चला गया था, इस वजह से इन लोग के साथ जो प्लान बना था क्रिकेट खेलने का वो तो कैंसिल हो गया, इसी कारण तो इन लोग का जो है ना मन जो है उदास है। तो फाइनली गाइस आज मैंने प्लान रखा है कि आज मैं जो है क्रिकेट खेलूंगा इन लोग के साथ। तो दोस्तों इन लोग का रहा देखते देखते मैं छत ऊपर आ गया और इन लोग जो है अभी तक नहीं आए, 15 मिनट हो गया है और पता नहीं इन लोग कहाँ चले गए। ये देखो इन लोग अभी आ रहे हैं, कहाँ गए थे तुम लोग, इतना देर के बाद आ रहे हो, 15 मिनट से तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ, बाकी टीम मेंबर्स कहाँ हैं? अभी तो 4:45 हो रहा है ना, 5 बजे तक अभी मतलब 10-15 मिनट है। और बॉल किसके पास है, मेरे पास तो बैठी है, देख लो अंश के पास बॉल है, अंश के पास है बॉल, ये टेनिस बॉल है कि प्लास्टिक वाला है, प्लास्टिक है ना, देख ले भाई ज्यादा जोर से नहीं मारेंगे, तो टेनिस बॉल है तो उसमें भी थोड़ा रिस्क है और प्लास्टिक बॉल में भी रिस्क है। और यहाँ पे कैसे खेलेंगे, यहाँ पे तो देखना गेहूँ सूखा हुआ है, किसका है, तुम ही लोगों का गेहूँ, हांस लोगों का ही है, यहाँ पे कैसे खेलेंगे देखते हैं, यहीं पे हो पाएगा तो खेलेंगे, नहीं तो ना पकड़ इसको अपन ना वो डोर को ना विकेट बना लेंगे, काम करते हैं तो फिर शिवम तेरा साइकिल रहे तो उसी को लेकर आ जाए, उसी को विकेट बना लेंगे, वो बेटर रहेगा। फिलहाल तो अभी 2 ही लोग आए हैं दोस्तों, अभी पता नहीं और बाकी कितने 3, 4, 5 और है ना, मयंक को मिला के और 5 लोग हैं दोस्तों अभी आएंगे, तो वेट करते। बैट पकड़ लिए, खेल पाएगी नहीं हैं, उठाया तो इससे उठाया तो नहीं जा रहा है, ये देखो ये साइकिल लेके आ गया माँ, इसे उठाया तो नहीं जा रहा है, बैट बोलती मारूंगी बोलती है, 6-4 नहीं उठाएगा, एक बार मारी भी है, 6-4 मारी है, नहीं 6 सिर्फ 6 मारी है, अच्छा यहाँ पे छत ऊपर नहीं ना, नीचे सीढ़ी तरफ खेल रहे थे उसी टाइम वो उधर मारी होगी शायद, गलती से तुक्का लग गया होगा, बस खत्म, तुक्का ही लगा था ना बस, उसके बाद तो आउट ही हो गई होगी सेकंड बॉल में, 4 रन पहले मारे फिर 6 उसके बाद आउट बस। अरे एक बात तो छोड़, ये बर्थडे का इसका केक कहाँ गया पहले बता, मेरे को ना बहुत मन कर रहा था इसे मैं पूछूंगा ना, चॉकलेट खिलाई ना केक खिलाई, बनाई ठीक है देसी केक, ठीक था बनाई तक ठीक है, शुभम भैया आ जाओ मेरा केक बन चुका है, बोली नहीं मैं दरवाजे में खटखटा के, इनवाइट भी नहीं करी मेरे को, एक दूसरे में लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना, लोग भूल जाते हैं कि ना भैया को मैं इनवाइट करी हूँ बर्थडे में, वो भी लॉकडाउन का टाइम है, क्या इसको सुधर जा अगले बर्थडे में नहीं बुलाई ना फिर तेरा कुटाई पक्का है, कोई नहीं मतलब अपना ये पूरा एरिया ऐसा लगता है ग्राउंड है, देख तू साइकिल भी चला ले रहा है, यहाँ पे मैं घूम भी ले रहा हूँ और कभी कभार अपन क्रिकेट भी खेल लेते हैं, सब हो जाता है, रेस भी खेल लेते हैं कभी कभार अपन, सब जानते हो कितना बड़ा जो है छत का व्यू अपना, बहुत स्पेस है यहाँ पे, जैसे इस छत में वैसे उस छत में भी उतना ही बड़ा स्पेस है। तो दोस्तों जस्ट मेरे बाजू वाली बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड है जहाँ पे ना क्रिकेट मैच चल रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, तो दोस्तों वहाँ पे अभी देखो क्रिकेट चल रहा है, कुछ देर में अभी बिल्डिंग में भी अपन जो है क्रिकेट खेलेंगे। तो दोस्तों ये देखो वो जन और आ गए अभी इस वक्त, और बाकी कहाँ है टीम मेंबर्स, सब लोग हम लोग बुलाए तो हैं, आ रहे होंगे,
अपन जो कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए अपन, 5 लोग जो है दो अभी और दो और की जरूरत है, टीम बढ़ जाएगा या तो फिर अभी 5 लोग में खेलने के, शिवम और हर्ष मान ले मैं और तू है ना, इसको तो एम्पायर बना देंगे, ये तो पता नहीं खेल पाएगी कि नहीं खेल पाएगी, नहीं खेल पाएगी भैया, मैं खेल पाऊंगी, मैं खेल नहीं खेल पाएगी, एकदम लूजर है, सिर्फ करके टॉस करेंगे, चलो फिर रेडी, ठीक है कोई ऑड ले रहा है ना, ठीक रेडी, इट्स एन ऑड बैटिंग, चलो ठीक है, चलो बॉलिंग ठीक है, तैयार हो जाओ ओए आउट होने के लिए, छह अच्छा 6 का तो आउट है, 1 टप्पा की आउट है और वो पीछे वाला जो बाउंड्री वो 4 है ना बस, हां कहाँ पे, अच्छा ये साइड वाला, हाँ उसमें लगेगा तो रन नहीं है, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, आजा आना नहीं इधर, इधर खड़े हो जाएगा, यहाँ पे खड़े होना बीच में, और जहाँ भी इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, दोनों साइड तेरे को पकड़ना है बॉल, ठीक है, रेडी हो जा, रेडी हो तुम लोग, आउट है, आउट है, साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में कहाँ लगा भाई, बस तैयार हो जा बेइज्जती के लिए, वो बच गया भाई, आउट है, आउट है, आउट है, सेकंड बैटिंग मैं करता हूं, और बच गया भाई, इसका पैर अगर बीच में नहीं आता ना आउट जाता, वन टप वन टप वन टप, नहीं चार नहीं, चार नहीं, पकड़ लियो भाई, ओए 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 ओए, नीचे चला के, नीचे चला, बॉल लेने के लिए कौन जाएगा, शिवम तू चले जाना जल्दी से, बॉल दिख गई, वो देखो पेड़ के पास, वो देखो देख हरी वाली दिख रही है हल्की सी वहां पे, हाँ गेट के घर बाहर रहोगे ना तो आंटी आंटी के चिल्लाओगे ना, तुम लोग आ जाएंगे तो तुरंत बॉल दे देंगे तुम्हें, जल्दी जा, चलो 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 जल्दी जल्दी जा, क्या बोल रही है अनन्या तू, भाई नहीं आउट, नहीं 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 4 रन पढ़ के ऊपर जो है टप्पा खा के नीचे गिरा तो आउट नहीं है, लोग जा रहे हैं, ये देखो इन लोग आ गए, वो देख बॉल वहां पे, वो देख पकड़ पकड़, अरे यार 4 रन यार, अनन्या तू क्या फील्डिंग कर रही है, आउट है, शिवम आजा तेरी बैटिंग है, ओ आउट है, अब तू उठ गया पहली बॉल पे, सब आउट हो गए, सब आउट हो गए अपन दोनों बच्चे, अनन्या अनन्या पहली बैटिंग कर ले जल्दी, छोटी बैट दे दे इसको, छोटी बैट 4 मारना ना कम से कम, तुम लोग अब जैसे फील्डिंग करना करो, कोशिश करना इस बार बॉल जो है नीचे ना जाए, अनन्या तैयार हो जा, टच करना ठीक है, आएगा तो बॉल, आउट हो गया, आउट हो गया, रेडी अब व्यूअर फ्लाई पर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं आउट करने वाला हूँ, ओह ओह आउट है, अनंत तेरी बॉल, तो भाई ₹50 की बॉल थी, तो दोस्तों आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे, सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।